अभी जैसे मैं यहाँ पे एक जो ये देखो, अभी इसने कुछ बोला नहीं है, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरप्शंस का मतलब क्या है। ओ बाय द वे, ये वीडियो जो है मैं मम्मी के साथ बनाने वाला था, बट यार उसमें 1,500 लाइक्स ही नहीं आए, तो मैंने कहा मम्मी यू आर नॉट अ ड्रॉ एनी मोर, अब आप इस चैनल पर नहीं आ सकते। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ 3DX चेतन। यस, आज हम ऐसे रिटर्न्स या फिर इंटरप्शंस को जो कि आइकॉनिक बन गए, उनको रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के अंदर टॉप 10 इंटरप्शंस रखे WWE की हिस्ट्री के। एंड लेट्स सी कि क्या वो टॉप 10 में आने बनते थे, क्या वो इतने मेमोरेबल या आइकॉनिक है। उसमें से कुछ हम छोड़ देंगे, ताकि आप आर्टिकल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में रहेगा वहां पर जाकर आप देख सकते हो, जिसकी शुरुआत ही इन्होंने नंबर 10 से रखी है, शेन मिकमैन का 2016 का WWE रिटर्न। एंड शेन मिकमैन का वो जो रिटर्न था, वो बहुत टाइम के बाद आया था। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 2010 वॉज द लास्ट टाइम जब हमने उनको लास्ट टाइम देखा था, जब उनकी रैंडी ओटन और ट्रिपल एच, बटीस्टा, इन सब के साथ फ्यूड चल रही थी। बट देन जब दोबारा से यहाँ पर देखने को मिले, वो भी किस प्रसंग में, विंस मिकमैन अपना वो दे रहे थे, अरे कुछ तो दे रहे थे ना वो, कि मिकमैन नाम को जो आगे बढ़ाएगा, समथिंग लाइक दैट। मेरे को तो एग्जैक्ट टर्म भी नहीं पता क्या दे रहे थे, स्टेफनी को दे रहे थे। बट देन शेन मिकमैन केम, वेल टू बी ऑनेस्ट, कम ऑन शेन, आप ठीक हो, बट स्टेफनी मिकमैन डिड मोर इन WWE देन यू। तो भले आपके स्नीकर्स पे डांस करना हमें अच्छा लगता होगा, बट मैन वी कुड नॉट अग्री विद दैट। बट अगेन, शेन मिकमैन का वहां पर आना, अंडरटेकर से मैच लेना, और एक मिस्ट्री को रख देना कि यार एक लंच बॉक्स नाम की चीज है, आपको नहीं पता तो उस टाइम पर एक ऐसा चीज भी चली थी, शेन मिकमैन ने बताया था कि मैं रिवील कर दूंगा लंच बॉक्स में क्या है, लेकिन वो रिवील हुआ ही नहीं कभी। अच्छा, मैं लंच बॉक्स बोले जा रहा हूँ, एक्चुअली वो लंच बॉक्स नहीं, लॉक बॉक्स था भाई, लॉक बॉक्स। लंच बॉक्स क्या भाई, ओटिस की स्टोरी लाइन थोड़ी चल रही है इधर, कि भैया टिफिन खुल गया, खाने आ जाओ। बट है, आइकॉनिक था, यानी आई थिंक हम अभी भी उस रिटर्न को देखते तो वो पॉप हमें याद आता है, स्टेफनी मिकमैन का रिएक्शन याद आता है। आई थिंक आइकॉनिक तो था नो मैटर व्हाट यू से, क्योंकि हो सकता था हमें शेन मिकमैन ना आते देखते तो हमें वो अंडरटेकर के साथ मैच ना मिलता, सर्वाइवर सीरीज तक वो सब जो चीजें थी वो ना मिलती, एजे स्टार्स वर्सेस शेन ना मिलता। शेन मिकमैन का उस टाइम पे आना तो अच्छा ही था। हाँ, रेसलमेनिया 39 में आना थोड़ा गलत साबित हो गया। अगला है स्टिंग का डेब्यू। भाई यार, इसके बारे में तो जितनी बात करी जाए उतनी कम है। 2014 का सर्वाइवर सीरीज, राइट, दी अथॉरिटी वर्सेस टीम सीना। Boy, oh boy, that match was fantastic. It has to be one of the greatest Survivor Series matches of all time. Specially story थी यार, ये कोई आपका normal traditional elimination tag team match नहीं था, यहाँ पर story थी और ऊपर से सब कुछ दाव पर लगा था। And John Cena अगर है तो सब कुछ दाव पर लग ही जाता है, पता नहीं कैसे करके, और guess what, John Cena हार भी जाता, but इस time कुछ अलग हुआ, thanks to WCW legend Sting. डॉल्फ जिगलर लोन सर्वाइवर बने और पूरी टीम अथॉरिटी को हरा दिया, और उस टाइम पे डॉल्फ जिगलर का क्रेज अलग ही लेवल पे था। तो ऐसे में अगर आप आ रहे हो जिगलर की हेल्प करने, अथॉरिटी को हरवाने में, क्राउड की तरफ से अलग रिएक्शन मिलना था, तो जब आप ऐसे टाइम पर आते हो तो आपकी लेगेसी जो है सीमेंट हो जाती है, और इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न या फिर डेब्यू में काउंट होता है स्टिंग का वो जो WWE के अंदर डेब्यू था। तो आई थिंक इट वॉज वेरी परफेक्ट टाइमिंग। कभी कभी क्या होता है कि सुपरस्टार्स अच्छे होते हैं लेकिन टाइमिंग गलत हो जाती है, बट आई थिंक दैट वॉज परफेक्ट टाइमिंग। अगर सेथ रॉलिंस और स्टिंग वाले मैच में इंजरी ना हुई होती तो शायद से स्टिंग का और भी हमें बढ़िया करियर देखने को मिलता WWE के अंदर। नाउ स्पीकिंग ऑफ सेथ रॉलिंस, एक इन्होंने सेथ रॉलिंस का भी रखा है, सेथ रॉलिंस का कैश इन एट रेसलमेनिया। ये तो मेमोरेबल, आइकॉनिक, हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी, जितने भी बड़े बड़े लेजेंडरी टर्म्स है वो आप इसमें फिट कर सकते हो, बिकॉज दैट्स व्हाट इट वॉज। Nobody was expecting कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के इस मैच में ऐसा कुछ होगा। लाइक कम ऑन, इसके पहले कौन ऐसा माइकल लाल आया हुआ है जिसने मनी द बैंक ब्रीफ केस को घुस के कैश इन किया और सिंगल्स मैच को ट्रिपल थ्रेट बना दिया। अभी आप उन लोगों की सोचो जो रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को ही देखने आए थे। चलो हटाओ, मैंने कैजुअल फैंस अब लाइव विटनेस कर लिए, नाउ दैट बैठक हुई है तो मैं उनका सोच रहा हूँ कि उनको कैसा लगा होगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, उसी कैटेगरी को देखना चाहते हैं। बट जैसे ही सेथ रॉलिंस आया होगा और जीता होगा तो उनके दिमाग में क्या चला होगा। ये मेमोरेबल, आइकॉनिक से भी बढ़कर है। मेरे को तो लगता है कि सेथ रॉलिंस का कैश इन करना वॉज डेफिनेटली समथिंग जो कि वॉल्स पर लिखा जाना चाहिए, मतलब फेमस मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स पर।
कुछ ज्यादा हो गया क्या? बट हे दैट्स व्हाट इट वाज, मतलब स्पेशली कंसिडरिंग कि किस तरीके से रीसेंट के मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस के कैश इन रहे हैं, मेरे लिए लगता है कि सेथ रॉलिंस का कैश इन एक अलग ही लेवल पर था। अगला है ब्रॉक लेसनर का WWE रिटर्न। 2012 में ब्रॉक लेसनर का रिटर्न। पहली बात तो नो न्यूज, नो अपडेट, नो इंटरनेट। मैं अपना सीन बता रहा हूँ। तो जॉन सीना ऐसे माइक करके खड़ा, एंड वी आर लाइक व्हाट, शो खत्म हो रहा है, हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहे हो? एंड देन ब्रॉक लेसनर का थीम बजता है। इन माय लाइफ मैंने सिर्फ DVDs में देखा था ब्रॉक लेसनर को, या फिर जो भैया थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एक जो ट्यूशन वाले भैया थे, उनसे बातें सुनी थी। लेकिन लाइव स्टोरी लाइन में आना, गूज बम्प्स। मतलब ब्रॉक लेसनर को मैंने ना तो UFC में देखा था, ना कहीं, कहाँ देख, मैं UFC नहीं देखता था ऑफ कोर्स, मेरे को सिर्फ TNA पता थी और WWE पता थी, और वो TNA में भी नहीं थे और मेरे सामने तो WWE के अंदर भी नहीं थे, क्योंकि मैंने देखनी शुरू की थी 2005 में और वो आई थिंक 2004 में ही निकल लिए थे वहाँ से, तो मेरे को तो कुछ नहीं पता ब्रॉक लेसनर का। बट जैसे ही ब्रॉक लेसनर आए, इट वॉज अनदर फीलिंग, एंड यू कैन टेल कि आपके अगले 20 साल जो है बन चुके हैं। लाइक ये बंदा अगले 20 साल उठा सकता है। आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी कम अपीयरेंसेस दी थी, बट जितनी भी अपीयरेंसेस दी थी इट वॉज वेरी इम्पैक्टफुल, और नया फैन बेस बनाने में ब्रॉक लेसनर की बहुत बड़ी हेल्प हुई है। आई हैव सीन पीपल जो कि मतलब यंग जो ऑडियंस है वो काफ़ी ब्रॉक लेसनर इंस्पायर्ड है, वो भी वो ब्रॉक लेसनर जो कि 2012 के बाद आया है, तो वो देखकर भी अच्छा लगता है जब ऐसा कोई सुपरस्टार आता है जो कि एक पूरे यूथ को उठा लेता है। तो मेरे को लगता है ये आइकॉनिक है डेफिनेटली, भले ही वो मोमेंट उतना आइकॉनिक ना हो, लेकिन उनका आना अपने आप में आइकॉनिक रहा है। एंड फाइनली इन्होंने लगा स्टीव ऑस्टिन इंटरप्ट्स मैनकाइंड एंड द रॉक का मैच। भाई ये वाला मैच एक बार देखना आप, तो ये वाला वो वाला मैच है, मंडे नाइट वॉर्स चल रही थी और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। इस टाइम तक क्या है कि WWE मंडे नाइट रॉ जो है WCW से हार रही थी रेटिंग्स में, और उस टाइम पे WCW क्या होती थी, हाँ लाइव आती थी, WCW लाइव आती थी और रॉ जो है टेप्ड हो जाती थी, और WCW वाले जो है रिजल्ट्स जो है बता देते थे TV पर कि रॉ में ये हुआ, ताकि जो है लोग रॉ ना देखे, क्योंकि टाइमिंग तो सेम होती थी, रॉ ना देखे और WCW ही देखे। और उस दिन हुआ क्या, द रॉक जीतने वाले थे, ये चीज़ उन्होंने TV पर बता दी, तो लोगों का जो प्लान, इनका जो प्लान था वो बैकफायर हो गया। लोगों ने जो है इनका TV बंद करके WCW हटा के WWE देखनी सही समझी, और उस टाइम पे WWE रेटिंग्स में तो जीती, मैनकाइंड वहाँ पे टाइटल तो जीता, ऑडियंस का रिएक्शन भयंकर मिला, फिर चाहे ऑस्टिन के रिटर्न पे हो या फिर मैनकाइंड के जीतने पर, उसी के साथ साथ उसके बाद ना तो कभी WWE WCW से हारी और ना ही कभी उनको ज़रा भी मौका दिया कि हाँ भैया उस क्लोज तक तो आ जाए। तो एक छोटी सी जो गलती थी वो बहुत भारी पड़ गई एरिक बिशॉफ को। तो क्या ये आइकॉनिक था? एब्सोल्युटली, एक ऐसा मोमेंट जिस पर इतनी सारी हिस्ट्री इन्वॉल्व हो, इतना फ्यूचर इन्वॉल्व हो, डेफिनेटली। और मैं ये क्लिप मैं कहूँगा कि आप लोग सर्च करो कैसे भी करके, वो आप ऑडियंस के रिएक्शन से पता लगा सकते हो। ऑडियंस इस तरीके से उछल रही थी जैसे उनको दिवाली का बोनस 3 times मिल गया हो यार, इस तरीके की खुश थी। तो वो कोई छोटी बात नहीं थी उस टाइम पे मैनकाइंड का टाइटल जीतना। ऊपर से टीवी वाले, मुझे तो सबसे अच्छा लगा कि टीवी के लिए अनाउंस किया कि मैनकाइंड जीतने वाला, देखने की जरूरत नहीं है, तो लोगों ने टीवी देखा कि अच्छा मैनकाइंड जीतने वाला है, अब तो देखेंगे। ये मेरे को मेंटेलिटी बड़ी अच्छी लगी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपना मेमोरेबल इंटरप्शन लिख के बताना। आई थिंक फॉर मी, अगर मैं इनमें से पिक करना चाहूँगा तो मेरा भी आई थिंक सेथ रॉलिंस का रहेगा। एटलीस्ट मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मैंने लाइव में विटनेस किया है, तो सेथ रॉलिंस वाला ही रहने वाला है, क्योंकि रेसलमेनिया का मेन इवेंट चेंज करना कोई छोटी बात नहीं है। कमेंट्स में लिखकर बताओ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।